नमस्कार दोस्तों, सीजी पकवान में आप सभी का स्वागत है। तो आज मैं लेकर आई हूँ बहुत ही यूज़फुल किचन टिप्स फ्रेंड, जो हमारे घर में किचन में बहुत ही काम आने वाली है, हमारे काम को आसान बनाने वाली है। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज का मेरा पहला किचन टिप्स है मूँगफली को लेकर। फ्रेंड्स, इस तरीके से जब भी मूँगफली हम बुनते हैं, उसके छिलके को निकालते हैं तो इधर उधर बिखर जाता है, तो इसके लिए आप इसे कपड़े के अंदर डाल लें इस तरीके से। इसके बाद हाथ से इसे रगड़ लेंगे, जिससे कि छिलका आसानी से निकल जाता है कपड़े में रखकर, तो इधर उधर इसका छिलका भी नहीं बिखरेगा। देखिए तो देखिए, इसके सारे छिलके निकल गए हैं। और इसके बाद हमने यहाँ पे लिया है झारा, इस तरीके का झारा तो हर किसी के घर में होता है। इसके झारे में डाल देंगे इस तरीके से, डालने के बाद इसके झारे को इस तरीके से हिलाएंगे तो देखिए इसका छिलका नीचे गिर रहा है और मूंगफली ऊपर, तो इस तरीके से इसका छिलका इधर उधर नहीं फैलेगा। और जो छोटा छोटा दाना है वो नीचे आ गया है, उसको बाद में अलग कर लेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, अगला टिप देखते हैं। अगले टिप से मैं आटे को लेकर है फ्रेंड। तो आटे में कभी कभी कीड़ा वगैरह लग जाते हैं, तो इसके लिए आप तेज पत्ता आटे में डाल दीजिए इस तरीके से, 5-6 पत्ते। और इसका स्मेल तेज रहता है तेज पत्ते का, तो इस कारण इसके आसपास कीड़े मकोड़े नहीं आते हैं। तो इसलिए आटे में जब इस तेज पत्ते को रखेंगे तो आटे में भी कीड़े वगैरह नहीं लगेंगे। तो इस तरीके से आटे में ज़रूर डालकर रख लीजिए आटे को, तो कीड़े वगैरह बिल्कुल भी नहीं लगेगी। तो चलिए फ्रेंड्स, अगला टिप देखते हैं। अगले टिप्स में फ्रेंड्स मोमबत्ती को लेकर है। तो यहाँ पर हमने लिया है मोमबत्ती, और मोमबत्ती जब हम इस तरीके से जलाते हैं और इसे नीचे रखते हैं तो नीचे में काफ़ी सारा निशान हो जाता है, जो देखने में अच्छा नहीं लगता है। देखिए इस तरीके से, और कभी कभी ये गिर भी जाता है, अच्छे से खड़ा नहीं हो पाता है। तो इसके लिए यहाँ पर हमने लिया है दिया, इस तरह के दिया तो हर किसी के घर में होता है। तो दिए के ऊपर इस तरीके से रखेंगे तो इसे लाने ले जाने में भी आसानी होगी, कहीं भी ले जा सकते हैं, कहीं भी रख सकते हैं। और दी मोमबत्ती ज़्यादा दिनों तक भी चलेगा, और इसमें जो भी मोमबत्ती जो पिघल के नीचे आएगा वो दिए में रहेगा। तो इस तरीके से मोमबत्ती जला सकते हैं फ्रेंड। और हवा तूफान अगर आ रहे हैं तो इस तरीके का कद्दूकस करने का तो रहता है हर घर में, तो इसे आप इस तरीके से ढक ले ऊपर में, जिससे कि ये मोमबत्ती बुझेगा नहीं और बहुत टाइम तक जलेगा। तो इसी तरीके से फ्रेंड्स आप दिए के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखिए हमने इस दिए जला लिए हैं, और दिए जलाने के बाद भी इसमें भी हवा तूफान आने लगती है, दिया बुझने लगता है, तो इसके लिए भी आप इस तरह कद्दूकस करने को इसके ऊपर लगा देंगे, इस तरीके से ढक लेंगे, दिया भी आराम से जलेगा, हवा तूफान भी आएगा तो भी जलता रहेगा। तो यहाँ पर फिर से हमने कद्दूकस करने का लिया है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर हमने लिया है 4-5 अगरबत्ती, और हमारे पास अगरबत्ती दानी नहीं होता है तो हम लोग तरह तरह के अगरबत्ती जलाने के लिए आइडिया सोचते रहते हैं। तो इस तरीके से भी जो छोटे छोटा वाला छेद है ना कद्दूकस करने के में, इसमें आप अगरबत्ती जला के रख सकते हैं। देखिए तो अगरबत्ती जला लेते हैं इस तरीके से, तो इसे कद्दूकस करने का आप इस तरीके से अगरबत्ती जलाने के लिए इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लग रहा हो फ्रेंड तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल में आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए फ्रेंड्स, अगला टिप देखते हैं। अगले टिप समय यहाँ पर हमने लिया है मोबाइल का कवर है, जो आर पार दिख रहा है, तो इसके लिए यहाँ पर हमने लिया है मोजे। तो छोटे मोटे कपड़ा रखने के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हैं फ्रेंड। तो यहाँ पर मोजे वगैरह है, खासकर रुमाल वगैरह वो आसानी से नहीं मिलते, इधर उधर हो जाता है, तो इसके लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और तो यहाँ पर मोजे को मैं इस तरीके से लपेट के रख लेती हूँ इसमें, जिससे कि ये आर पार है तो जो भी चीज़ हम रखे रहेंगे वो दिखेगा भी, तो हमें आसानी से मिल जाएगा, ढूंढने में हमें परेशानी नहीं होगी।
जब भी ज़रूरत होगी हमें आसानी से मिल जाएगी। तो इस तरीके से इस खड्डे का इस्तेमाल कर सकते हैं मोबाइल कवर का। तो यहाँ पर एक और मोजा है, इसको भी मैं रख लेती हूँ। देखिए इस तरीके से उसमें टंगाने का भी दिया है, तो इसे टंग कर भी रख सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स अगला टिप देखते हैं। अगले टिप से मैं चाबी को लेकर है फ्रेंड। चाबी घर में इधर उधर पड़ा रहता है तो कभी घूम जाता है, कभी हम ढूंढते रहते हैं। तो इसके लिए आप यहाँ पर लिया है सेफ्टी पिन बड़ा वाला, तो इसमें आप अरेंज करके रख सकते हैं जिससे कि चाबी सुरक्षित रहेगी और जब भी हमें ज़रूरत होगी उस हिसाब से हमें ढूंढने में भी आसानी होगी। सेफ्टी पिन में सारे चाबी आ जाएगी। देखिए इस तरीके से रख सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स अगला टिप देखते हैं। अगले टिप्स में इस तरह के ज्वेलरी पर्स को लेकर है। तो यहाँ पर हमने लिया है डबल साइड वाला टेप, तो इसको इसका छोटा सा टुकड़ा कट कर लेते हैं। देखिए इस तरीके से, और इसे पर्स के पीछे साइड इसको चिपका देते हैं इस तरीके से। और इस पर्स को आप जहाँ भी रखना चाहते हैं रख सकते हैं। तो मैं यहाँ पर इसे अलमारी में रख रही हूँ इस तरीके से, और इसमें जो भी चीज़ें आप रखना चाहते हो आराम से रख सकते हैं फ्रेंड। देखिए इस तरीके से इसका इस्तेमाल कर सकते हैं।